Subscribe and click the bell icon for all the television updates. अपनी चुलबुली अदाओं से दर्शकों को हंसाने वाली, कभी आंसू तो कभी हंसी की बौछार करने वाली, अब हो गई है कहीं गुमशुदा श्रद्धा निगम है कहां गए वो लोग के इस एपिसोड की हमारी सेलिब्रिटी, जिन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया और फिर अचानक से हो गई गायब। अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली श्रद्धा ने अपने ऑन स्क्रीन फैंस को कह दिया गुड बाय। आज स्क्रीन पर उनकी कमी दिल से महसूस होती है। आखिर कहां गई श्रद्धा? टेली मसाला लाया है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस श्रद्धा निकम की कहानी हमारी जुबानी। मध्य प्रदेश से आई श्रद्धा ने किया था फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। वो एक्ट्रेस नहीं बल्कि फैशन डिजाइनर बनने का सपना लेकर आई थी मुंबई। एक्टिंग के तो दूर दूर तक कोई प्लान्स नहीं थे उनके, पर उनकी किस्मत ले आई उन्हें माया नगरी। यहाँ आकर छोटे पर्दे पर अपने शो हमारे कांच की चूड़ियों से ऑडियंस को अपना दीवाना कर गई मिस निगम। न सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस बल्कि श्रद्धा ने खुद को एक अच्छा होस्ट भी प्रूव किया विद हर होस्टिंग स्किल्स इन 2007 शो सारेगामापा। जहां प्रोफेशनली श्रद्धा वाज डूइंग ग्रेट, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में आने लगे बदलाव। उन्हें मिल गया उनके सपनों का राजकुमार। हम बात कर रहे हैं करण सिंह ग्रोवर की। दरअसल बरखा विष्ट के साथ ब्रेकअप के बाद करण थे इन डिप्रेशन और फिर उनकी मुलाकात हुई श्रद्धा से, यानी श्रद्धा बनी करण के टूटे दिल का सहारा। उन्होंने दिया दुखी मिस्टर ग्रोवर को अपना कंधा और बस फिर क्या था, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। 2008 में करण और श्रद्धा ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला ले लिया। दोनों की जोड़ी जैसे भगवान ने बनाई थी। दोनों के फैंस इतने खुश थे उन्हें साथ देखकर, पर इनके प्यार को लग गई किसी की नजर। शादी के 10 ही महीने में दोनों के बीच अनबन की खबरें आने लगी। इस शादीशुदा जोड़े के बीच दरार आने लगी और फाइनली वो हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, करण और श्रद्धा का डिवोर्स। इस शॉकिंग न्यूज पर श्रद्धा का कहना कुछ यूं था, माय डिवोर्स इज कमिंग थ्रू दिस मंडे, इट्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट, लेट मी पुट इट दिस वे दैट वी हैव ऑल अग्रीड ऑन एवरीथिंग। इसके बाद एक वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में श्रद्धा ने खुल के करण के साथ अपने डिवोर्स को लेकर की बातचीत। देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मैरिज, डिवोर्स इज नॉट अ डिसीजन यू कैन जंप इनटू। You can't just wake up one day and say that I can't put up with all this shit and give up. It was thought about clearly as the marriage. I am a very regular Indian girl at heart, so I wouldn't end a marriage in a moment. I have always been true to myself. Honestly, divorce to me was like a death sentence. But all I knew was that I was standing up for myself. I don't believe in blame games. But I do believe that people who aren't true to themselves have to go through pain. Maybe not immediately, but eventually. Well, श्रद्धा ने भले ही रीजन रिवील नहीं किया, पर करण के लिंकअप्स की खबरों ने तो तब जोर पकड़ लिया था। फिर चाहे वो उनकी झलक दिखला जा कोरियोग्राफर निकोल हो या फिर दिल मिल गए को-स्टार जेनिफर विंगेट, करण अपने अफेयर्स को लेकर चर्चा में रहे हैं। पर श्रद्धा ने कभी भी मीडिया से करण के इन अफेयर्स को लेकर बात नहीं की। शायद वो उन गलियों में जाना ही नहीं चाहती थी जहां उन्हें खुशियां दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। करण से डिवोर्स के बाद श्रद्धा ने अपने दोस्त मयंक आनंद के साथ एक फैशन लाइनअप पर काम करना शुरू किया एज अ फैशन डिजाइनर, जिसके बाद श्रद्धा और मयंक बन गए बिजनेस पार्टनर्स। धीरे धीरे बिजनेस पार्टनर्स का ये रिलेशन बदल गया प्यार में। मयंक आनंद वही एक्टर है जिन्होंने दिल मिल गए में करण सिंह ग्रोवर के बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभाया था। वेल, फिर क्या था, इस बिजनेस पार्टनरशिप को श्रद्धा और मयंक ने लाइफ टाइम पार्टनरशिप यानी शादी में तब्दील कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ सात फेरे लिए 2013 में। पर्सनल लाइफ के साथ ही श्रद्धा के प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, द स्पार्क इज स्टिल अलाइव इन दिस क्यूटसी कपल एंड वी विश इट स्टेज लाइक दिस फॉरएवर। श्रद्धा हैज नॉट मूव्ड ऑन इन लाइफ पर्सनली बट प्रोफेशनली एज वेल। व्हाइल श्रद्धा एंड मयंक आर स्टिल फोकसिंग ऑन देयर बिजनेस, द एक्ट्रेस हैज नाउ बिकम अ फेमस फैशन डिजाइनर। वेल, हम बहुत खुश है कि श्रद्धा हैज मूव्ड ऑन नॉट ओनली पर्सनली बट ऑल्सो प्रोफेशनली, पर ऑन स्क्रीन उनकी कमी रह गई है। वी मिस हर ऑन स्क्रीन। We hope कि अपने फैशन करियर के साथ ही श्रद्धा जल्द ही वापसी करेंगी फॉर ऑल हर फैंस। तो ये थी श्रद्धा निगम की कहानी टेली मसाला की जुबानी। इस सेगमेंट में आप किस एक्टर की कहानी जानना चाहते हो, अपनी लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और देखते रहिए टेली मसाला।